जी अयाज अकबर यूसुफ जी जियो से। प्राइम मिनिस्टर साहब, एक तो जो बाइडन के साथ आपकी एक पिक्चर बड़ी वायरल हुई है, उसके हवाले से बड़ी आपको कोई इतराज़ उस पे? नहीं लोगों को इतराज़ है काफ़ी सेंटर में दोनों तरफ, उसको ज़रा थोड़ा सा अगर आप डिस्क्राइब। दूसरा, डार साहब की वापसी के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त एक धूम मच गया कि जी डार साहब की वापसी है और डॉलर नीचे जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर आ गई है, तो क्या मुफ्ता साहब की क्या पॉलिसीज और डार साहब की पॉलिसी में कोई बहुत फ़र्क होगा इसलिए ये चीज़ हो रही है थोड़ा सा? नहीं, देखिए मुफ्ता इस्माइल साहब ने आई मस्ट से उन्होंने बड़ी मेहनत की है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है। बिल्कुल मैं उनका, हम सब उनके शुक्रगुजार हैं, बड़ी मेहनत से काम किया उन्होंने। ही इज़ अ वेरी ऑनरेबल मेम्बर ऑफ आर पार्टी और ये अपना रद्दबदल होता रहता है और उन्होंने ख़ुद कहा कि मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ, तो उसका हमने उनको कहा कि बिल्कुल आपको, आप पार्टी के बड़े आम हमारे रुकन हैं, आपसे इंशाल्लाह हम और काम लेंगे। तो ही हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब, लेट्स अप्रिशिएट हिज हार्ड वर्क। डार साहब जी, डार साहब का वो तशरीफ़ लाए हैं, डार साहब इंशाल्लाह वो, उनको बड़ा तजर्बा है, बड़े तजर्बाकार आदमी हैं, फाइनेंस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और मुझे बड़ी कवि उम्मीद है इंशाल्लाह। और वो बहुत मेहनती आदमी है, वो दिन रात मेहनत करने वाले आदमी हैं एंड इज़ अ वेरी वेरी अगेन इज़ अ वेरी केपेबल एंड अ वेरी ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपनी पूरी अपनी अर्गरेजी से काम करेंगे और इंशाल्लाह हालात को और बेहतर बनाने में पूरा वो इंशाल्लाह उनका रोल होगा। एक बात जो आप कह रहे थे कि वो वापस आने के लिए कि वो कहते हैं कि तहकीक करा लें, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में कहा अपने फैसले में, हमें कुछ नहीं मिला। जो सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी कहा कि हमें कुछ नहीं मिला। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो आखिरी मीटिंग हुई थी उसमें जो जो स्टेटमेंट आई थी कि इस मामले में कहीं दूर दूर तक कोई शायबा नहीं कि कहीं खुदा न खास्ता किसी सियासतदान ने किसी गैर मुल्की ताकत के साथ कोई कनेक्शन की हो, तो आई थिंक ये चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। इसके बाद आपको और क्या सबूत चाहिए?